हेलो फ्रेंड्स, आपण मानको डेली जॉब्स ओडिया चैनल को स्वागत जनाउछि। देखंथ फ्रेंड्स, डीएवी पब्लिक स्कूल रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर तरफ रु विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट रो वैकेंसी को नहीं एक एडवर्टाइजमेंट को रिलीज कराई। बहुत भल वैकेंसी आछि फ्रेंड्स, आपण ओडिसा जेकोनसी जिल्ला रो होइतांतु ना काहेकि उभय पुरुष एवं महिला आसीतिबाय वैकेंसी पई आवेदन करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, आज वीडियो रे मु आपण मानको आसीतिबाय एडवर्टाइजमेंट विषय रे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जणैबी। वैकेंसी रो पोजीशन, आसीतिबाय पोस्ट गुडी को पई क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, मासुक आपनको केते दरमा मिल जिवो, एमिति सब टॉपिक विषय रे आमे जे डिटेल डिस्कस करिवा। तेनु फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पई आपण वीडियो टिको बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु। तबे फ्रेंड्स, वीडियो रे आगो बढिया पूर्वरु आपण मानको गोटे छोटो रिक्वेस्ट, वीडियो टि भल लागिले लाइक करिवे, निज संग मानको सह शेयर करिवे। आउ जदि आपण माने ए चैनल रे नुवा छथि ताले एमिति नुवा नुवा जॉब रो अपडेट पाइया पई एही चैनल टिको सब्सक्राइब करी पाखरे थिवा नोटिफिकेशन बेल टिको दबाई ऑल करि देबे। तबे चालंतु आरंभ करिवे आज रो वीडियो। तबे देखंतु फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट यहीपर रही पीडीएफ रे फ्रेंड्स टोटल 9 पेज रही। पीडीएफ टी लिंक मुझे वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में देदेवी, आपड़ निजर रेफरेन्स यहाँ डाउनलोड करेंगे। तबे फ्रेंड्स चलतु पीडीएफ रे इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुड़िक विषय में जन दूसरी। देखंतु फ्रेंड्स, डीएवी पब्लिक स्कूल ओडिशा जोन 1 अंडर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट गुड़िक सामिल कराई, जमीक आपंकर अनुगुल, बालेश्वर, भद्रक, बलांगीर, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जगत सिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केंदुझर, खोर्धा, नयगढ़, पुरी एवं सुंदरगढ़, यही सब डिस्ट्रिक्ट मानक डीएवी स्कूल मानक फ्रेंड्स वैकेंसी आसी। देखो डीएवी स्कूल मानक लिस्ट दिखाई फ्रेंड्स, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट डीएवी स्कूल गुड़िकपर रही है, रही बालेश्वर, भद्रक, बलांगीर, यही सब डीएवी स्कूल मानक फ्रेंड्स वैकेंसी आसी। तेरे फ्रेंड्स देखो वैकेंसी आपंकर पीजीटी, टीजीटी एवं पीआरटी टीचर मानक आसी। तबे फ्रेंड्स, यही सब सब्जेक्ट आपंकर पीजीटी वैकेंसी आसी। देखंतु इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस, यही सब सब्जेक्ट रे पीजीटी वैकेंसी आसी। से हीपरी फ्रेंड्स टीजीटी देखंतु इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस रे आपनकर पीसीएम, तापर फ्रेंड्स नेक्स्ट रही सीबीजेड, तापर सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड सिविक्स, नेक्स्ट रही सोशल साइंस, ज्योग्राफी, यही सब सब्जेक्ट रे टीजीटी वैकेंसी आसी। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड्स प्राइमरी टीचर, एथरे आपनकर सब्जेक्ट गुड़िक रही इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, तापर फ्रेंड्स रही फिजिकल एजुकेशन, एथरे केवल लेडीज माने ही अप्लाई करि परिबे। तबे फ्रेंड्स पीजीटी, टीजीटी एवं पीआरटी छोड़ा अन्य नॉन टीचिंग पोस्ट पाई मध्ये वैकेंसी आसी। देखंतु असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट, यूडीसी अकाउंट्स एवं लाइब्रेरियन, यही सब पोस्ट पाई मध्ये फ्रेंड्स एठारे वैकेंसी आसी। तापर फ्रेंड्स देखंतु अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी मे बी रेगुलराइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 2-3 इयर्स सब्जेक्ट टू वेरी गुड परफॉर्मेंस। तबे फ्रेंड्स तले दिया सब पोस्ट गुड़िक जदि आप 2-3 वर्ष चाकरी करते फ्रेंड्स आपंकर रेगुलर हो। तबे फ्रेंड्स पोस्ट गुड़िकपर रही प्री प्राइमरी टीचर लेडीज ओनली, काउनसिलर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी एस्टेब्लिशमेंट, एलडीसी अकाउंट एवं एलडीसी रिसेप्शनिस्ट, यही सब पोस्ट गुड़िक चाकरी कले 2-3 वर्ष रेगुलर हो। फ्रेंड्स देखो अन्य पोस्ट पर वैकेंसी आसी म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्स लेडीज, हॉस्टल वार्डन लेडीज, स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर, ड्राइवर एवं गार्डेनर, यही सब पोस्ट फ्रेंड्स वैकेंसी आसी। तेरे फ्रेंड्स देखो बहुत गुड़े पोस्ट वैकेंसी आसी। डीएवी स्कूल लिस्ट आपने देखिपे फ्रेंड्स बहुत गुड़े डीएवी स्कूल में वैकेंसी आसी। तेरे फ्रेंड्स एथर अनुमान करे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1000 ऊपर आपंकर रही। तेरे फ्रेंड्स आप बहुत बड़ सुजोग। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स आसी पोस्ट गुड़िक क्वालिफिकेशन कौन रही से विषय में आपको जन दूसरी। देखो फ्रेंड्स प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर क्वालिफिकेशन विषय डिस्कस कर ना। देखो पीजीटी सब्जेक्ट टीचर पर क्वालिफिकेशन रही पीजी इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पर वैकेंसी आसी फ्रेंड्स से ही सब्जेक्ट आपन पीजी करेंगे, पीजी आप 50% मार्क रखिथे। सहित फ्रेंड्स देखो आप बीएड करेंगे एनसीटी अप्रूव जेकोसी यूनिवर्सिटी आप बीएड करेंगे। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स पीजीटी फिजिकल एजुकेशन रही एथिपाई फ्रेंड्स आप मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपंकर थी आप 50% मार्क सिक्योर करेंगे जेकोसी एनसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी आप मास्टर्स डिग्री करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट देखो फ्रेंड्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तेज फ्रेंड्स देखो पीजीटी कंप्यूटर साइंस पर क्वालिफिकेशन रही मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, जदि आप एमटेक करी आप एमसीए करता सहित फ्रेंड्स आपंकर 50% मार्क आप सिक्योर करेंगे। ता सहित फ्रेंड्स आप बीएड करेंगे जेकोसी एक एनसीटी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ताले फ्रेंड्स आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस अप्लाई करेंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस फ्रेंड्स देखो यठार मेनसन कराई आपंकर स्पोकन इंग्लीश रे फ्लुएंसी थी दरकार आपन कंप्यूटर नॉलेज जानवा आवश्यक ताले फ्रेंड्स आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस आवेदन करेंगे। तेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पर
क्वालिफिकेशन कौन रही से विषय मुझे आपको जनईदे देखो फ्रेंड्स टीजीटी सब्जेक्ट टीचर पर क्वालिफिकेशन रही ग्राजुएसन पीजी करेंगे फ्रेंड्स आप जो सब्जेक्ट एडभर्टाइजमेंट आती आप ग्राजुएसन कि पीजी करेंगे आप 50% मार्क थी आउ आप बीएड करेंगे फ्रेंड्स देखो तापर कंडीशन रही सीटीटी कि ओटीटी आप क्लीयर करवा आवश्यक से पर फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट रही टीजीटी फिजिकल एजुकेशन पर फ्रेंड्स आप ग्राजुएसन कि पीजी करेंगे फिजिकल एजुकेशन आउ आप 50% मार्क थी आपन जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्राजुएसन कि पीजी करवा आवश्यक नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स अन्य पोस्ट विषय में जानना नेक्स्ट पोस्ट रही टीजीटी कंप्यूटर साइंस ए फ्रेंड्स देखो आप ग्राजुएसन कि पीजी करेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस एमटेक करते बीटेक करेंगे एमसीए करेंगे कि बीसीए करेंगे आप सब क्वालिफिकेशन में 50% मार्क रखिथे आहत आपर बीएड डिग्री थी आप जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप बीएड करेंगे तापर फ्रेंड्स नेक्स्ट कंडीशन देखो आप सीटीटी कि ओटीटी करवा आवश्यक यह सब क्वालिफिकेशन आउ सीटीटी कि ओटीटी क्लीयर करते फ्रेंड्स आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यही पोस्ट आपर स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी थी दरकार सहित फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर नॉलेज थी आवश्यक तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते प्राइमरी टीचर पर क्वालिफिकेशन कौन रही से विषय में आपको जनईदे देखते फ्रेंड्स प्रथम पोस्ट रही पीआरटी सब्जेक्ट टीचर जो सब्जेक्ट पर एडवर्टाइजमेंट आती फ्रेंड्स से ही सब्जेक्ट में आप ग्राजुएसन करेंगे आप 50% मार्क थी सहित फ्रेंड्स देखो आप सीटी जदि करेंगे आप आसवा वैकेंसी अप्लाई करेंगे आदि फ्रेंड्स आप बीएड करते आसवा वैकेंसी अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पोस्ट रही पीआरटी फिजिकल एजुकेशन ए फ्रेंड्स देखो ग्राजुएसन करेंगे फिजिकल एजुकेशन में आप 50% मार्क थी तेल जाए आप पीआरटी फिजिकल एजुकेशन आवेदन करेंगे नेक्स्ट पोस्ट रही फ्रेंड्स देखते पीआरटी कंप्यूटर साइंस एपर क्वालिफिकेशन रही ग्राजुएसन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आप कंप्यूटर साइंस ग्राजुएसन करेंगे जदि आप बीटेक करते कि आप बीसीए करेंगे फ्रेंड्स आउ आप 50% मार्क थी सहित फ्रेंड्स आप बीए डिग्री करेंगे आउ आप सीटीटी कि ओटीटी क्लीयर करवा आवश्यक आप स्पोकन इंग्लिश आपर फ्लुएंसी थी आउ आप कंप्यूटर नॉलेज आवश्यक ताले जाए फ्रेंड्स आप पीआरटी कंप्यूटर साइंस अप्लाई करेंगे नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स जमीक मुझी अन्न्य पोस्ट पर वैकेंसी आसी अदर टीचिंग कंट्रास्टुअल स्टाफ देखो क्वालिफिकेशन यहीपुर रही पोस्ट रही आपर प्राइमरी टीचर एथपाई फ्रेंड्स देखो आप इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50% मार्क आप इंटरमीडिएट बा प्लस टू पढ़ी थे फ्रेंड्स आप 50% मार्क सिक्योर करेंगे सहित फ्रेंड्स देखो जदि आप डिप्लोमा इन नर्सिंग टीचर एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम आप सब क्वालिफिकेशन में 2 वर्ष कोर्स करते फ्रेंड्स आप वैकेंसी आवेदन करेंगे देखते जदि आप ग्राजुएसन करते फ्रेंड्स ग्राजुएसन आपर यही सब सब्जेक्ट ओडिया हिंदी सांस्कृत मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलोजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जदि आप ग्राजुएसन करते सहित बीएड करते फ्रेंड्स आपको प्रिफरेंस सेठे मिल जाव तेज फ्रेंड्स यही पोस्ट आपके स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी आउ आप कंप्यूटर नॉलेज थी आवश्यक देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट रही काउनसलर देखते फ्रेंड्स एथ क्वालिफिकेशन रही ग्राजुएट विथ साइकोलॉजी एज इलेक्टिव विथ 50% मार्क आप साइकोलॉजी ग्राजुएसन करेंगे आउ 50% जब मार्क आप रखिथे आप काउनसलर अप्लाई करेंगे काउनसलर पर फ्रेंड्स देखते स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी आउ आप कंप्यूटर नॉलेज थी आवश्यक नेक्स्ट पोस्ट रही म्यूजिक टीचर एथपाई फ्रेंड्स देखते फ्रेंड्स ग्राजुएसन कि पीजी जब आप करते फ्रेंड्स म्यूजिक रे आउ 50% मार्क सिक्योर करते आप आसा म्यूजिक टीचर अप्लाई करेंगे तेज फ्रेंड्स जदि आप प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय व बंगीय संगीत परिषद तरफ जदि आप डिग्री कि डिप्लोमा अच्छी फ्रेंड्स आपसा पोस्ट एलिजिबल नुह तेज फ्रेंड्स देखते ये स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज रही आवश्यक तेज फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट रही आर्ट एंड क्राफ्ट ए फ्रेंड्स देखते ग्राजुएट विथ ड्रॉइंग एंड पेंटिंग आर्ट फाइन आर्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप 50% मार्क रखिथे सहित फ्रेंड्स आप डिप्लोमा करेंगे ड्रॉइंग एंड पेंटिंग में आप आसा वैकेंसी आवेदन करेंगे जदि आप मास्टर्स डिग्री इन ड्रॉइंग बा पेंटिंग अच्छी फ्रेंड्स फाइन आर्ट आप मास्टर्स डिग्री करते आप आसा आर्ट एंड क्राफ्ट वैकेंसी आवेदन करेंगे तेज फ्रेंड्स जदि आप किसी डिग्री कि डिप्लोमा अच्छी जमीक प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ व अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय जदि बंगीय संगीत परिषद तरफ किसी डिग्री डिप्लोमा अच्छी आप एलिजिबल नुहंती तेज फ्रेंड्स एपर स्पोकन इंग्लिश आउ कंप्यूटर नॉलेज थी आवश्यक नेक्स्ट पोस्ट देखते फ्रेंड्स योगा टीचर आप ग्राजुएसन करेंगे आउ 50% मार्क सिक्योर करेंगे आउ आप योगा डिप्लोमा करेंगे फ्रेंड्स जदि आप एमपीईडी करते आसा योगा टीचर पर अप्लाई करेंगे स्पोकन इंग्लिश आउ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थी आवश्यक नेक्स्ट देखते डांस टीचर ग्राजुएसन डिग्री विथ डांस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलिस्ट 50% मार्क आप ग्राजुएसन 50% मार्क सिक्योर करेंगे जदि आप ग्राजुएसन करते आप डिप्लोमा इन डांस आपर अच्छी 50% मार्क आप आसा डांस टीचर पर अप्लाई करेंगे अन्न्य डिग्री डिप्लोमा आपर एलिजिबल नुहंती डांस टीचर पर फ्रेंड्स स्पोकन इंग्लिश आउ कंप्यूटर नॉलेज थी आवश्यक तो फ्रेंड्स यही सब पोस्ट पर नेक्स्ट देखते नॉन टीचिंग स्टाफ पर वैकेंसी आसी देखो पोस्ट रही लाइब्रेरियन
लाइब्रेरियन फ्रेंड्स देखो आप ग्रेजुएशन करेंगे लाइब्रेरी साइंस आपर 50% मार्क थी आप आसती वैकेंसी अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो असिस्टेंट एस्टैब्लिशमेंट एथेर क्वालिफिकेशन दी ग्रेजुएशन विथ नॉलेज ऑफ टाइपिंग कंप्यूटर नॉलेज आपर थी फ्रेंड्स आसती वैकेंसी अप्लाई करेंगे। तापर पोस्ट रही फ्रेंड्स यूडीसी अकाउंट्स ए फ्रेंड्स देखो ग्रेजुएशन आप करेंगे कमर्स आपर कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज थी आप टैली जानते आवश्यक सहित फ्रेंड्स देखो ये एक्सपीरियंस मगाई मिनिमम 5 years इन अकाउंटिंग आपर 5 वर्ष अकाउंटिंग एक्सपीरियंस अच्छी फ्रेंड्स आसवा यूडीसी अकाउंट्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखो 4 नंबर आपर यह पोस्ट रही अटल टिंकरिंग लैब असिस्टेंट बा कंप्यूटर लैब असिस्टेंट एथिपाई फ्रेंड्स देखो क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएशन इन साइंस जदि आप डिप्लोमा करते इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपन आसवा वैकेंसी आवेदन करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट देखते फ्रेंड्स लाइब्रेरी असिस्टेंट एपं क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएशन विथ एटलिस्ट 50% मार्क इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस यही वैकेंसी फ्रेंड्स आप लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस ग्रेजुएशन करेंगे 50% मार्क सहित। तापर फ्रेंड्स देखो स्टाफ नर्स लेडीज ओनली फीमेल कैंडिडेट मैंने ही स्टाफ नर्स अप्लाई करेंगे। एथिपाई फ्रेंड्स देखो क्वालिफिकेशन रही डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपन 3 वर्षर बीएससी नर्सिंग जदि कर फ्रेंड्स आसती है वैकेंसी आवेदन करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट रही एलडीसी एस्टैब्लिशमेंट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप जोसी स्ट्रीम ग्रेजुएशन करते फ्रेंड्स आपर इंग्लिश ओडिया और हिंदी जब आप टाइपिंग स्पीड रही 30 words per minute आप आसवा वैकेंसी आवेदन करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट रही एलडीसी अकाउंट्स एथिपाई फ्रेंड्स देखो ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टैली आप कॉमर्स ग्रेजुएशन करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय में नॉलेज थी और टैली जब आप जानते फ्रेंड्स आप एलडीसी अकाउंट्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट देखते फ्रेंड्स एलडीसी रिसेप्शनिस्ट एथिपाई फ्रेंड्स देखो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आप जोसी डिसिप्लिन ग्रेजुएशन करेंगे आप इंग्लीश हिंदी ओडिया भल भाव में कहीपे फ्रेंड्स ताकि आप आसवा एलडीसी रिसेप्शनिस्ट अप्लाई करेंगे। तापर पोस्ट रही फ्रेंड्स स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर एथिपाई आप ग्रेजुएशन करेंगे कंप्यूटर साइंस जदि आप बीटेक किंवा बीसीए करते 50% मार्क रखुच्च आप हार्डवेयर नॉलेज आवश्यक ताहले जाए फ्रेंड्स आप स्मार्ट क्लास फैसिलिटेटर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट रही हॉस्टल वार्डन लेडीज फीमेल कैंडिडेट मैंने अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आप जोसी डिसिप्लिन से आर्ट्स साइंस कमर्स होता ना कहीं जब आप ग्रेजुएशन करते आप आसिया वैकेंसी अप्लाई करेंगे। सहित फ्रेंड्स आप इंग्लीश हिंदी ओडिया फ्लुएंसी थी दरकार आप भल भाव में कहीपे हॉस्टल मैनेजमेंट जब आप एक्सपीरियंस अच्छी फ्रेंड्स आपको हॉस्टल वार्डन लेडीज पोस्ट प्रिफरेंस मिल जाए। नेक्स्ट पोस्ट देखते फ्रेंड्स ड्राइवर रही है फ्रेंड्स आप 8 क्लास पास करेंगे आप एस टी विथ पीएसबी बैच जब आप अच्छी सहित फ्रेंड्स आपर हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक ताले जाए आप ड्राइवर पोस्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रही गार्डनर टू बी अपॉइंटेड थ्रू आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग द्वारा फ्रेंड्स गार्डनर पोस्ट अपॉइंटमेंट हम तो फ्रेंड्स आप मेट्रिकुलेशन पास करेंगे आप गार्डनिंग कोर्स करवा आवश्यक ताले जाए फ्रेंड्स आप आसवा गार्डनर पोस्ट अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स समस्त पोस्ट गुड़ी यह क्वालिफिकेशन विषय डिटेल इनफर्मेशन। नेक्स्ट आलो फ्रेंड्स यही सब पोस्ट गुड़ी आपर सैलरी कौन रही है से विषय में आपको जनई दूँ। तो फ्रेंड्स देखते बर्तमान समय सेवेन्थ पे अनुसार आपको सैलरी मिल जाए जब आप पीजीटी टीचर हिसाब से चाकरी पाँच फ्रेंड्स आपर बेसिक रही है 47,600 टाँचा जब आप टीजीटी हिसाब से चाकरी कर फ्रेंड्स आपर बेसिक रहा 44,900 टाँचा। तापर फ्रेंड्स पीआरटी टीचर जब आप पीआरटी रूप से चाकरी कर फ्रेंड्स आपर बेसिक पे रही है 35,400 बहुत भल सैलरी रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते फ्रेंड्स पीआरटी म्यूजिक आर्ट क्राफ्ट पीपीटी योगा डांस यही सब पोस्ट जब आप चाकरी पाँच फ्रेंड्स आपर बेसिक रही है 21,700 टाँचा। तापर फ्रेंड्स लाइब्रेरियन एठार 35,400 टाँचा आपको मिल जाए असिस्टेंट फ्रेंड्स देखो आप बेसिक रही है 35,400 टाँचा यूडीसी फ्रेंड्स आपर बेसिक पे रही है 25,500 टाँचा। तो फ्रेंड्स यही सब बेसिक पे सहित आपको अन्य आलाउंस मिल जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलो आसी समस्त पोस्ट गुड़ी एठार एज लिमिट कौन रही है से विषय में आपको जन दूँ। देखते फ्रेंड्स जब आप पीजीटी टीजीटी पीआरटी पीपीटी टीचर काउनसलर योगा टीचर म्यूजिक टीचर डांस टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर असिस्टेंट एस्टैब्लिशमेंट हॉस्टल वार्डन आउ ड्राइवर पोस्ट अप्लाई करते फ्रेंड्स आपर मैक्सिमम एज टी 40 वर्ष होता आवश्यक 40 वर्ष जब आप अधिक बयस अच्छा फ्रेंड्स आपर अप्लाई करें तेज फ्रेंड्स आपर एज टी एठार कैलकुलेट कर फास्ट मे 2022 फास्ट मे 2022 सुधा आपर एज टी कैलकुलेट कर 40 वर्ष कम बयस अच्छा फ्रेंड्स आपड़ आसी समस्त पोस्ट अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स एठार दिखाई समस्त पोस्ट छड़ा अन्न्य पोस्ट एठार मैक्सीम एज लिमिट दिखाई 32 वर्ष आपड़ जब 32 वर्ष कम बयस अच्छा फ्रेंड्स आपन्न वैकेंसी अप्लाई करेंगे। तेज फ्रेंड्स देखते एज रिलैक्सेशन रिगार्डिंग एठार एक इंपोर्टेंट इनफर्मेशन दिखाई जदि सुटेबल कैंडिडेट गोटे कैटेगोरी मिलना फ्रेंड्स ताले फ्रेंड्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट आउ पीजी टीचर मानक एठार एज रिलैक्सेशन सुविधा मिल जाए जदि सुटेबल कैंडिडेट गोटे कैटेगोरी मिलना। तो फ्रेंड्स आसी समस्त वैकेंसी अप्लाई करा आपको एग्जाम फी बाबद को 200 टाँचा पेमेंट करा पड़ो ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग माध्यम से फ्रेंड्स आप 200 टाँचा पे करेंगे। तेज फ्रेंड्स ऑनलाइन फीस पेमेंट डेट रही 22 अप्रैल 2022 12 मे 2022।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलतु आसीबा वैकेंसी गुड़ी आप्लाय कमी करेंगे से विषय में आपको जन दूँ। देखते फ्रेंड्स एप्लीकेशन मोड रही है ऑनलाइन मोड आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करा पड़ो। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फ्रेंड्स मुझको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करदेवि आप लिंक पर क्लिक कला डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाय करेंगे। तो फ्रेंड्स जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको किसी असुविधा फेस करते आप कमेंट बक्स जनातु मुझे हाउ टू अप्लाई रख सेपरेट वीडियो यही चैनल जल्दी अपलोड करदेवि जहाँ को आप फॉलो कर निर्भुल भाव में आसीबा वैकेंसी अप्लाय करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट रही है देखो 12 मई 2022 संध्या 5टा सुधा फ्रेंड्स आपन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलतु आसीबा वैकेंसी गुड़ी आपर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहा से विषय में जन दूँ। तो फ्रेंड्स देखो सिलेक्शन प्रोसेस रोक केवल इंटरव्यू एपं कौन भी एक्जाम देवाक पड़ोनि आपंकर केवल इंटरव्यूटी हे इंटरव्यूटी शेड्यूल कर फ्रेंड्स मे मसर इंटरव्यूटी हो पाए। तेज फ्रेंड्स के डेट इंटरव्यूटी हम यठार मेनसन कराईना तेज फ्रेंड्स भुवनेश्वर आ कटक डीओबी पब्लिक स्कूल में आपंकर इंटरव्यूटी हम इंटरव्यू समय फ्रेंड्स 20 से 30 मिनट एक डेमो टीचिंग आपन देबे सेही अनुसार आपनकर सिलेक्शन टी हबो। ते फ्रेंड्स देखंतु पीजीटी टीजीटी आ पीआरटी पे आपनकर सिलेबस स्टेट है दियाई छि क्लास 11 to 12 जदि आपन पीजीटी पे अप्लाई करछन्ति क्लास 6 to 10 जदि आपन टीजीटी पे अप्लाई करछन्ति आ जदि आपन पीआरटी पे अप्लाई करछन्ति फ्रेंड्स क्लास 3 to क्लास 5 पर्यंत आपनकर सिलेबस टी रहबो। आपनकु एही सिलेबस अनुसार 20 से 30 मिनट एक डेमो टीचिंग देवाकु पडिबो। ते फ्रेंड्स देखंतु आपन मानक पई एहा को बहुत बडो सुजोग जदि आपन एही सब क्वालिफिकेशन पोजेस करछन्ति आपन आसीथिबाय वैकेंसी पे अप्लाई करंतु। तेज फ्रेंड्स यहाँ थी डीएबी पब्लिक स्कूल रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर तरफ आसीबा एडवर्टाइजमेंट उपरे कंप्लीट इनफॉरमेशन वीडियो आशा करती वीडियोटी आपमनको भलो लागतिबो। वीडियोटी भलो लागतिले फ्रेंड्स याकु लाइक शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। तेबे फ्रेंड्स आसीथिबा एडवर्टाइजमेंट को नै जदि आपमनकर अन्य कोनोसी भी किछि डाउट थाए ताले प्लीज कमेंट बॉक्स रे जणांतु मु आपनको निश्चय रिप्लाई देबी। तेबे फ्रेंड्स पुनी देखाबो अन्य को इनफॉरमेशनल वीडियो रे सेतेबेले जाय रहौछि। थैंक यू फॉर वाचिंग।